कहाँ सेंटर गया है दरोगा का टीचर? पटना सिटी। पटना सिटी। हाँ चलो बढ़िया, लड़की के। हाँ लड़की लोग का ठीक दिया है, लड़का लोग को दूर दूर भेज दिया है। हाँ नहीं कोई कोई मेरी फ्रेंड लोग है ना, उन लोग का दूर दूर दे दिया है, गया किसी का दिया है, किसी का मुजफ्फरपुर दिया है। हाँ स्टूडेंट ज्यादा है क्या? 47,000 रिजल्ट दिया था क्योंकि मेंस का एग्जाम तो कुत्ती राजधानी में ही लेना चाहिए। तीन वो सेंटर बना है, गया है मुजफ्फरपुर है पटना। ओ इसका भी लग ले लेता तो इसका डेट दिया है जून में है? ए ओ वाला डेट तो हाँ आप भरे थे ना? हाँ तो मैं 18 जून को दे दिया 22 मई को ले लेता इसका। तब, वही तो बोल रहे थे नहीं फिर छोड़ करके पीटी का पढ़ाई, फिर मेंस पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए फिर पीटी करेंगे। वही ना, हम लोग प्रिया बोल रहे थे कि क्या करेगा, खाली पीटीए पढ़वाएगा हम लोग से। ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर को किया नहीं है मैं अभी तक कहाँ मेंस हो पाऊंगी, नहीं। अभी कोई आसार भी नहीं है निकलेगा। पता है ये बीपीएससी को लेकर लगता है इतना दिन जो टाल दिया ना, हाँ अब जब तक इसका एग्जाम नहीं ले रहा है तो इससे पहले कुछ नहीं करो। सर आज लेट हो गए, रोज सर पहले से आए रहते थे। हाँ हम ही ऑनलाइन हो जाते थे पहले। हाँ आज सर गए। चल रहा है ना तैयारी अच्छा से? अभी वही दरोगा वाला ही कर रहा है। हाँ दरोगे वाला और क्या, दरोगा में करंट का तो नहीं पूछता है। करेंट तो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे, कोई भरोसा नहीं है। पीटी में दो ना, पीटी जो लिया था ना दरोगा वाला, उसका सिलेबस एकदम कुछ अलग अलग घुसा दिया था। दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, ये सबसे क्वेश्चन पूछ दिया था पीटी में। ऐसे भी करंट पढ़ना ही है बीपीएससी के लिए, हाँ हाँ सरस्वती के लिए कटता है 2 हफ्ता बाद उसकी सूची का पेपर। और ये सचिवालय का भी फॉर्म आ गया है ना, नहीं सब तो इसी झुटके मुटके निकाल दिया है सब। भरिए ना सचिवालय। भरने के लिए भरेंगे सब, सीट बेचने के लिए निकालता है। कल हाँ ये तो है, खूब पैसा कमाए, पिछले बार पैसा कमाए इतना सीटवा है ना लास्ट में घटा देगा। पिछले बार ऐसी देखी लास्ट में सीटवा घटा दिया मुझे था, 150 में 118 नंबर थे, एक पूछते नहीं बताइए। सब कार्ड टूट के एकदम नेगेटिव वगैरह सीट में अब घटा। इससे उम्मीद बेकार है बीएसएससी से ठीक है कि बीपीएससी पढ़ो, हाँ हम लोग के लिए तो यही ठीक है, लेकिन अब उसमें जल्दी एग्जाम लेगा, केस होगा, फिर अथी होगा, आंदोलन होगा, ये होगा, फिर एग्जाम लेगा। समझ गए पिछले बार इंटर वाला वाला का अभी देखे तक हैं कंप्लीट कहाँ किया? इंटर वाला आए? पाप, इंटर लेवल का जो निकला था, 7 साल हो गया अभी तक कंप्लीट हाँ अभी तो नहीं कहाँ कुछ क्लियर किया, मेरा दोस्त हुआ। अटका हुआ है वही चक्कर में, बोला था क्लियर कर देता है, एको ठप्पा लग जाता ना सरकारी नौकरी। अरे इतना दिन हो गया, तो उसका अच्छा गया है थी, सब ठीक गया है, टाइपिंग उसमें तो हो गया वगैरह ना अच्छा काम। है, डॉक्यूमेंट टाइपिंग वगैरह वेरिफिकेशन भी तो हो गया अच्छा है, सब चीज हो गया तो खाली जारी करना है नाटक खाली। है। बाप रे इतना वो दिन इसी हो गया। करता है बीएससी,
बीएससी के खत्म कर देना चाहिए, पता ना क्या अंदर है। इसीलिए तो सब पोस्ट डाल दे रहा है बीपीएससी। नहीं ठीक से एग्जाम कंडक्ट ठीक से नहीं करवाता है। तुम पिछले बार दी थी ना? इंटर लेवल वाला दी थी? नहीं नहीं भरे देख दी तब ना, इंटर लेवल वाला पागल जैसा। 2-3 बार हम लोग पीटीए के एग्जाम दिए थे, पता ही नहीं। पगला दिया था। आई क्या बोलते हैं, बिहार एसएससी थी तो दरोगा का भी तो एग्जाम बिहार एसएससी से होता है, ये तो कितने टाइम पे लेता है। पहले लिया था, अब ये लेने लगा बीपीएसएससी देने। पहले बीएसएससी लेती थी। सर कहाँ अच्छा चलवाएंगे? क्लास हुआ है ना इसी समय? हुआ है, हुआ ही होगा। पता करूं? प्रिया से पूछो कितना तो। तो 4 बजे वाला क्लास करते हैं, पूछते हैं। पूछो तो। प्रणाम सर। हाँ लिखे हुई हो डिओपोली जी सर। अधिकार प्रतियोगिता का बाजार। दियो ना, जी सर दिए हैं। उसमें लिखे हुए अधिकार प्रतियोगिता का बाजार, अंग्रेजी जी सर में उसका हो गया डिओपोली मार्केट। डिओपोली अधिकार मतलब हुआ दो फार्म, जी सर। प्रणाम सर। किस्त में है इसका स्वेदाधिकार प्रतियोगिता का बाजार। अभी जी सर ऋषा जी सर सोनी के लिस्ट में है स्वेदाधिकार प्रतियोगिता का बाजार। जी अंग्रेजी में इसका हो जाएगा डीओपोली। जी
निकली है जी सर, जी सर।
काटेल मूल्य का निर्धारण करेगी ओपी, वही ओपी मूल्य जो है फर्म बी फर्म ए को भेज देगी और फर्म ए और फर्म बी को इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है सी इक्विलिब्रियम पॉइंट भेजेगी तो बी और ई ये हो जाए। बड़ा वाला स्केल रखोगे ये वो लकड़ी की टाइप तीनों का एक ही लकीर होगा, एक लकीर ई से जाएगा एक लकीर पी से जाएगा तो दोनों का लाभ ये हो गया। फर्म ए को लाभ मिल रहा है पी ए बी सी, फर्म बी को लाभ मिल रहा है पी ए वन बी वन सी वन, तो लाभ को जमा कर देगा काटल के पास,
आपको कहाँ जमा कर देगा? दोनों फर्म लाभ को कहाँ जमा कर देगा? क्या सुनाई दे रहा है? हाँ सर अब सुनाई दे। लाभ जो है पी ए बी सी फर्म ए का है, पी ए बी वन सी वन फर्म बी का है, दोनों लाभ दे डिपोजिट कर देगा किसके पास? कार्टेल के पास। कार्टेल, कार्टेल उस लाभ को दोनों फर्म का अगर आकार समान होगा तो समान वितरण कर देगा। मान लीजिए कि दोनों का आकार 40 है तो 40% है वो को दे देगा, 60% है वो के साइज जब दोनों का साइज बराबर होगा तो समान समान इसको कहते हैं अधिकार में बाजार संतुलन। अधिकार में कार्टेल द्वारा मूल्य किंतु उतार ली जी सर। का वर्णन लिख लो और के चित्रों में फॉर्म ए तथा फॉर्म बी कार्टेल द्वारा कार्टेल द्वारा निर्धारित मूल्य ओपी को ओपी को स्वीकार करें पर के चित्र में फॉर्म ए तथा फॉर्म बी कार्टेल द्वारा निर्धारित मूल्य ओपी को स्वीकार करेगा ओपी मूल्य पर फर्म ए का मात्रा कितना है? ओएम है ओएम जी सर मात्रा ओपी मूल्य पर बेचेगा पर बेचेगा तथा ई ए बी सी और सामान्य लाभ प्राप्त करेगा और लाभ को आखिर के पास जमा कर दे। दूसरी तरफ
गुलाब को काटिल के पास जमा कर दे। आपको काटने की बात जमा कर फॉर्म बी पाटिल द्वारा अटल द्वारा निर्धारित फॉर्म को अटल द्वारा निर्धारित फॉर्म अटल द्वारा निर्धारित पारित मूल्य पर वस्तु जीवन सीवन प्राप्त करेगा। एवं जीवन सीवन लाभ प्राप्त लाभ प्राप्त करें और लाभ को पाटिल के पास जमा कर दे। आपको काटिल के पास आपको काटिल के पास जमा अगर आकार एक समान है समान मात्रा तो परमु का आकार एक समान उत्पादन उत्पादन एक समान मात्रा आकार एक समान है उत्पादन एक समान मात्रा
हमें अधिकार अखिल प्रमुख कर्मों को बराबर बराबर जी सर जी सर चित्र बना के भेजोगे व्हाट्सएप पर? जी सर।